हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में तो हम क्लास 5th-6th से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आज इसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोलर सिस्टम के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं यूनिवर्स के बारे में, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। द यूनिवर्स इज़ कॉमनली डिफाइंड एज द टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एक्जिस्ट, इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर, एनर्जी, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, दे ऑल आर इन यूनिवर्स। अब अगर हम स्टडी ऑफ यूनिवर्स की करें तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो मीन्स यूनिवर्स एंड लॉजो मीन्स साइंस, एंड द यूनिवर्स हैज़ नो लिमिट। नाउ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम वर्ड से हम सब परिचित हैं। सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सन, 8 प्लैनेट्स, दियर सैटेलाइट्स एंड थाउजेंड ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। अब हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट मेंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर सोलर सिस्टम का है सन। सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम, और अर्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। ये नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, और इसका अगर हम साइज़ की बात करें तो ये अर्थ के 13 लाख टाइम्स है। और सोलर सिस्टम में सेंटर में जो होता है वो हमारा सन होता है। सन के अंदर जो गैसेस हैं वो है 71% हाइड्रोजन, 26.5% ऑफ हीलियम एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स। शाइनिंग सरफेस ऑफ सन को हम कहते हैं फोटोस्फीयर। इट अपीयर्स लाइक अ डिस्क, इट रेडिएट्स एनर्जी एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आउटर लेयर होती है सन एटमॉस्फेयर की, वो बनी होती है थिन हॉट गैस से, जिसको कि हम कोरोना कहते हैं। यस, ये कोरोना और कोरोना वायरस दोनों अलग हैं। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन। नाउ सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सबसे हॉट प्लैनेट है। इस प्लैनेट में कोई भी वाटर नहीं है। द प्लैनेट हैज़ नो वाटर ऑन इट, एंड मरकरी प्लैनेट इवन हैज़ नो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसीलिए शायद मरकरी में या किसी भी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। मरकरी प्लैनेट हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट दैट इज ओजोन, विच प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। नाउ सेकेंड प्लैनेट, सेकेंड प्लैनेट है हमारा वीनस। वीनस को हम इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। वीनस इज़ लाइक द अर्थ इन साइज एंड मास एंड हैंस ऑल्सो नॉन एज अर्थ ट्विन। इट ऑल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। वीनस ऑल्सो हैज़ नो वाटर ऑन इट एंड नो सफिशेंट ऑक्सीजन ऑन इट। नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्लैनेट विच इज़ अर्थ, माई फेवरेट टू। अर्थ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट, एंड अगर हम रोटेशन की बात करें अपने एक्सिस में रोटेट होने के लिए, इट टेक्स 23 hours 56 minutes and 4.091 seconds टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अब हम अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो इट टेक्स 365 days 5 hours and 48 minutes टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ को हम वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट। अर्थ इज ऑल्सो ओनली नॉन प्लैनेट विच प्रोवाइड्स लाइफ ऑन इट। इट हैज़ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स लाइफ। अब अर्थ के अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो अर्थ है इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इट हैज़ गोल्डीलॉक्स ज़ोन। नाउ नेक्स्ट हमारा फोर्थ प्लैनेट है मार्स। आयरन रिच रेड सॉइल एंड पिंकी स्काई ऑफ मार्स गिव द नेम रेड प्लैनेट। और दो सैटेलाइट्स हैं मार्स की, वो हैं फोब्स एंड डेमोस। दैट आर दीज आर टू सैटेलाइट्स ऑफ मार्स।
जो फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट्स हैं सन के, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अर्थ. नाउ नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट. वाई? बिकॉज इट हैज़ एवरेज टेम्परेचर विच इज़ वेरी लो, दैट इज -148 डिग्री सेल्शियस. एंड गैनीमेडा सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम. नाउ नेक्स्ट है हमारा सैटर्न, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सैटर्न हैज़ ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड इट. एंड अब सैटर्न की अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो टाइटन, इट इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न. नाउ नेक्स्ट है हमारा यूरेनस. यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ. दिस प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर. अब यूरेनस जो है ये डिस्कवर्ड हुआ था 1781 में बाय सर विलियम हर्शल. यूरेनस इट इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ अ टेलीस्कोप. यूरेनस इज द 3rd बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. यूरेनस इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड इट हैज़ बीन सराउंडेड बाय 13 रिंग्स. नाउ यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस विच इज अपोजिट टू अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस. नाउ नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा नेपट्यून. नेपट्यून इज द 8th planet of solar system. Neptune, it is also very similar to Uranus and it can be considered as its twin. Neptune, it is also surrounded by methane rings of sub-zero temperature. The temperature जो है surface पे Neptune के वो भी बहुत low है. अब जितने planet sun से दूर होंगे उतने ज़्यादा ठंडे होंगे, उनका temperature obviously उतना ही low होगा. नाउ अब हम बात करेंगे प्लूटो. वैसे तो प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट नाउ. अंडर द IAU's न्यू गाइडलाइंस द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 9 to 8. बट प्लूटो जो है हमारा प्लैनेटरी स्टेटस रहा है सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1930 बाय क्लाइड टॉम्बर्ग. Before losing its planetary status on 24th August 2006, Pluto was the outermost planet of the solar system. एक 9th planet भी discover किया था NASA ने, which is named as Carla. अब जो 4 planets से हमारे Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they all are called Jovian planets. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आर चैनल लेट्स लर्न. जल्द ही मिलेंगे विद सम मोर एक्साइटिंग न्यू वीडियोस. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.